रेसिंग के दौरान इंजन स्विच होने के क्या क्या कारण रहते हैं, आपको इस वीडियो में सभी कारण जो है वो बताने वाला हूँ। और कैसे क्या कुछ है जो इंजन स्विच हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इंजन स्विच हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका ट्रैक्टर का जो मुंह है वो हवा चल रही है उस तरफ नहीं रहना चाहिए। ये रेडिएटर जो रहता है ये चोक होने के कारण जो है इंजन स्विच होने के कारण बन जाते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भूसा है वो ट्रैक्टर के रेडिएटर के सामने नहीं आना चाहिए, और परत जम जाती है बहुत मोटी, तो इस वजह से इंजन सांस नहीं ले पाता है ये रेडिएटर, तो इसी वजह से जो इंजन स्विच होने के कारण बने रहते हैं। और भी बहुत से कारण हैं जो मैं आगे चल के वीडियो में आपको बता दूंगा। एक कारण ये भी रहता है कि आप थ्रेसर का मुंह एक तरफ रहता है, जो वो सारा कुचरा जो रहता है वो इसकी तरफ ही आता है ट्रैक्टर की तरफ। और कई बार क्या होता है, ये कांटा जो रहता है ना, सॉरी ये तो टेम्परेचर का, ये लाल पे चला जाता है। और इससे क्या होता है कि लाल पे चल जाने के बाद में जो ट्रैक्टर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से भी इंजन स्विच होने के कारण रहते हैं। और टेम्परेचर जो रहे वो मेंटेन नहीं रहता है। और पहली बात जो ये है, आपको ट्रैक्टर जो चलाते हो ना, या फिर रिपर पे भी बहुत सारे इंजन के स्विच हो जाते हैं, आपने देखा होगा रिपर जो चलते हैं ट्रैक्टर, तो आपको पहली बात तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपका ट्रैक्टर में मतलब कि जो है भूसा जम जाता है, दो तीन दिन में उसको प्रेशर से मतलब कि कहीं पर भी जाकर प्रेशर रहता है ना पानी का, वो मरवा दें, उस पर लगवा दें, मतलब कि इस तरीके से आप इंजन स्विच होने से बचा सकते हो। रेडिएटर में कूलिन की मात्रा सही रहनी चाहिए, कूलिन कम रह गया, पानी ज़्यादा रह गया तो इंजन हीट मार जाता है या फिर रेडिएटर भी फूट जाता है। मेरा रेडिएटर फूट चुका है एक बार, इसलिए मुझे मालूम है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। थ्रेसर से ज़्यादा मतलब की जानकारी जो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी नया नया हूँ तो थोड़ी जीवान फिसल जाती है, इसलिए माफ़ कर देना सभी लोग।